जो लोग हमें प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, रोजाना वीडियोस देखते हैं, उनका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को ऐसा सब्सक्राइब कीजिए, इस फैमिली को बढ़ाइए। तो आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो मतलब हमने रमजान की और मतलब सिटीज की तो बहुत देखी, लेकिन पुणे की हमने नहीं थी देखी। आज हम पुणे की भी देखने वाले, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है वहाँ पे रमजान के क्या किस तरह सेलिब्रेट लोग करते हैं, वो सब कुछ देखेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। प्लीज वीडियो का एंड तक देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियोस भी जाकर जरूर देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो देखते हैं आज वीडियो। जिन्होंने स्टार्ट किया और इसकी हिस्ट्री आपको इस ब्लॉग में पता चलने वाली है। तो ये ऐसी प्रोसीजर होते हैं जिसमें ये पराठा बनता है बहुत बड़ा। पहचान है कि नहीं? पहचान आ रहा है? शाम से लेकर तो सुबह अर्ली मॉर्निंग तक लगाते थे। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, और यहाँ पे है ना, कवा क्या बात है, कैसे रहते हैं, कैसे क्वांटिटी में मिलता है, कौन सा जूस है चाचा? ये जूस कौन सा स्टैंडर्ड में आप? नहीं बहुत शर्मा रही है वो, ये रबड़ी है ना चाचा? चल एक साल हो गया, एक साल आज रमजान के इफ्तारी सीरीज का फर्स्ट ब्लॉग बना रहे हैं। मतलब पिछले साल हमने बहुत सारी सी प्लेसेस कवर करी थी, बट इस साल जैसे हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था मोमिनपुरा से, तो मोमिनपुरा में हूँ। ये पुणे का सबसे ओल्डेस्ट रमजान स्ट्रीट फूड लेन है। मतलब इफ्तारी के लिए यहाँ पे है ना बहुत भीड़ लगती है। अभी जो एरिया आपको दिख रहा है पूरा खाली, ये देखो इस तरह, मतलब खाली नहीं फिर भी भरा हुआ है, बस और 10-15 मिनट सभी भर जाएंगे। भीड़ देखोगे आप, इफ्तारी का काउंटर देखोगे, ऐसे पूरे पुणे में आपको देखने नहीं मिलेंगे। बट पुणे का सबसे ओल्डेस्ट है, और उसी के साथ हम अभी ये देख रहे हो आप यहाँ पे रमजान स्पेशल, अंडे का मालपुआ मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे मिलता है चिकन कढ़ाई और बहुत सारी चीजें है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो काउंटर्स पूरे भरे हुए हैं। मैं आपको पूरा मार्केट तो घुमा के लाता हूँ, बट उसके पहले है ना मैं किससे मिलाना चाहता हूँ आपसे, जिन्होंने स्टार्ट किया और इसकी हिस्ट्री आपको इस ब्लॉग में पता चलने वाली है। बट एक बात है गाइस, इस वीडियो पे ना हम टारगेट रखते हैं सिर्फ 2000 लाइक का। अगर 2000 लाइक पे हम पहुंचते हैं तो एक सरप्राइज मैं देने वाला हूँ, और अपने भाई लोग जा रहे हैं, रमजान मुबारक। यस, तो 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं, और अगर हम हिट कर देते तो एक सरप्राइज आएगा बहुत सारे अपने यूट्यूब फैमिली मेंबर जो कि अपने सब्सक्राइबर है उनके लिए। सो गाइस हमारे साथ रफीक भाई है। रफीक चाचा सबसे पहले आपको रमजान मुबारक। आपको भी मुबारक साहब। कैसे हो आप सब? बढ़िया, कैसे हो? क्या क्या? कढ़ाई चिकन? कढ़ाई चिकन अरे क्या बात है, कढ़ाई चिकन इस साल रेडी है यहाँ पे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और राजा कैसे हो? बढ़िया एकदम। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक आपको। रमजान मुबारक भाई कैसे? ओ भाई आ गए, एक नंबर। रमजान मुबारक तुम्हारे को भी भाई। अरे चाचा पहचान है कि नहीं? पहचान आ रहा है? इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जो भी इधर इन्होंने शुरुआत करी है। कितना साल हो गया चाचा इसको? 45 चाचा ने तुरंत पहचाना। और क्या क्या रहते चाचा तब से? मतलब हमारा सब आइटम रहता है इफ्तारी के लिए। इफ्तारी के लिए ना? सो गाइस हमारे साथ अब्दुल भाई है। मतलब इनका सबसे बड़ा स्टॉल है यहाँ पे मोमिनपुरा में, और इनके स्टॉल पे सब चीजें मिलती है। मतलब आप जो भी चीज का नाम लो अब्दुल भाई के स्टॉल पे मिलेगा। तो अब्दुल भाई सबसे पहले ना आप थोड़ी सी हिस्ट्री बताओ, कब से हो गया मतलब? ये एक्चुअली 50-60 साल पहले से, ऐसा देखा जाए तो ये 47-50 ईयर से, वो 50 ईयर बोले भी तो चलेगा, क्योंकि आज मेरे डैडी की एज है 83। ओके, तो वो हिसाब से 50 साल के ऊपर थे जब मेरे डैडी छोटे थे, जब से वो लगाते हैं 50 साल हो गए, और बहुत पुराना है हमारा वो भी यही काम कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ कुकिंग का काम करते थे, और मेरे डैडी ने होटल की शुरुआत की पहले से। बराबर, जब यहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ट्रक आया करते थे इस रोड पे, इस एरिया में, इस एरिया में ट्रक आया करते थे। ओके, यानी पब्लिक तो नहीं थी, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग जो आते थे रोजा को रखने के लिए, राइट, या शाम में रोजा खोलने के लिए, राइट, तो मेरे डैडी शाम से लेकर तो सुबह अर्ली मॉर्निंग तक लगाते थे। क्या बात, आज भी वैसी है, लेकिन अब माहौल बदल चुका है, वो हिसाब से रात को 12-1 बजे बंद करना पड़ता है, 2 बज जाते हैं।
राइट, कभी कभी कैसा है कॉर्पोरेट यानी बहुत सारे बराबर बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट करते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी इसके रात भर चलता है। पूरे साल भर भी रहते ना आपका होटल? हाँ साल भर तो रहता है, लेकिन उसमें जो जैसा अभी इफ्तार का जो आइटम हमने बनाया वो नहीं रहता है, वो नहीं रहता है, वो रेगुलर जैसा आप जैसा दाचा कीमा कोरमा बिरयानी होटल ये रेगुलर आइटम है। राइट, जो पार्टी पार्टी ऑर्डर्स है वो हम करते हैं। ओके, वो भी करते हैं। तो इस साल इफ्तारी के लिए और शहरी के लिए क्या क्या है अपने स्टॉल पे? देखो शहरी का तो बता नहीं सकते, लेकिन इफ्तारी के लिए हमारे पास जैसा जैसा तीन टाइप है, सादा है, अंडे वाला है, रबड़ी है और डबल अंडे वाला भी है, जो एकदम खाने के खाने को नहीं की जैसा टेस्ट जिसको जैसा चाहिए वैसा वो हिसाब से खा सकता है। लाइट स्वीट या ज्यादा स्वीट वो डिपेंड करता है अपने अपने इस पे अपने। और बाकी तो यहाँ पे जैसा तीखे आइटम तो रखे चटपटे जो चटपटे ये अभी ज्यादा आपको किधर देखेगा नहीं, लेकिन स्टार्ट हमने किया था इसका। ओके, और इसका रेट है अभी भी 10 रुपया 10 रुपए 10 रुपीज। ये कीमे का जो है जैसा पट्टी रोल बोला जाता है ये 30 रुपए का है। अच्छा, वो पेटीएम यहाँ पे दिया पेटीएम कीमे का समोसा है, कीमे का समोसा, कीमे का समोसा जो 20 रुपए में 3 है समोसे वाले के पास ही है वो पेटीएम। और जैसे ये कारीगर तो आप रेगुलर जैसा देखते हैं राइट, ये 40 रुपीज पर ही। और ये कटलेट है, कटलेट है हाँ, ये यानी मटन कटलेट इसको बोला जाता है। ओके, ये भी 10 रुपए। ये भजिया ये तो रेगुलर आइटम है राइट, ये कुछ नया दिख रहा मतलब इस साल। ये जैसे इसमें पालक, जैसे पालक कबाब भी ये भी 10 रुपए इस तरफ बड़े आपको पता है राइट, ये रेगुलर वैसा तो 10 रुपीज 10 रुपए मतलब 10 रुपए भाई, मतलब 50 रुपए पेट भर खा सकते। मोस्टली जो है 10 रुपए वाली चीज इसलिए रखे हमने ताकि लोग इफ्तार आसानी से कर सके, उनके ज्यादा खर्चा ना हो। ये बात तो है, बहुत बढ़िया है। इस तरह भी समोसा है, भजिया है, ये भी 10 रुपए है। ये सेवई कबाब जैसा बोला जाता है, रशियन कबाब 10 रुपए, हर चीज 10 रुपए। और बाकी तो ये इसमें जैसा प्योर प्योर चिकन, प्योर चिकन, प्योर चिकन उसका क्या रेट है? ये 40 रुपीज पर ही है, 40 रुपीज पर ही। तो इसमें आप देखो तो बहुत सारी प्योर चिकन कीमा है, रमजान मुबारक आप सबको। चिकन चीज रोल बोला जाता है जिसके अंदर चीज है, चीज है राइट, पूरा चिकन विद चीज। लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने ट्राई किया था, बहुत मतलब बहुत जूसी था वो, पूरा जो अंदर जो फीलिंग किया जाता है, फीलिंग अंदर जो फीलिंग है वो चीज का है, चीज का है। नहीं वही बोल रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम ट्राई किया था ना, मतलब जो ट्राई करते ही जूस आता ना, मतलब हाँ जूसी है, बहुत सही लग रहा था वो। चैटर चीज इसमें डाला जाता है, ऐसा समझो चैटर चीज है, चैटर चीज है राइट। और इसमें ये क्या है भैया? चिकन में ये चिकन टिक्का, जैसा चिकन टिक्का बोला जाता है, 30 रुपीज पर ही। ओके, 30 रुपीज ये रशियन कटलेट 10 रुपए है ना? हाँ 10 रुपए। और चिकन लॉलीपॉप कैसे है इसमें? 100 रुपीज यानी जैसा 6 पीस आएंगे, जैसे 6 पीस ये जो चिकन है चिकन फ्राई। ओके, चिकन फ्राई ये है 350 पूरी मुर्गी। ओके, ये पूरी यहाँ पे तो मतलब 400-500 रुपए वैसे के जी मिल रहा है, तो यहाँ पे तो पूरी इस तरह से। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। इस तरफ सीख है ना ये? हाँ ये सीख है। ओके, ये देखो 50 रुपीज। ओके, 2 पीस आता है यानी एक प्लेट का 50। अच्छा, दो कबाब 50 रुपए जैसा इतना यानी बड़ा और बढ़िया पीस है। बढ़िया और बढ़िया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, दावत देर हो गया, दावत देर हो गया। इस तरफ भी कुछ है भाई जान? यहाँ पे जो है ना तवा गोश, जैसा तवा गोश, गुर्दा, भेजा, कलेजी, ये तीन अलग तवा पे बनाते हैं, ये भी काफी टेस्टी होता है, बहुत मजेदार होता है। ये बोनलेस दिया जाता है, बोनलेस एज पर गवर्नमेंट। ओके, क्या बात है, मटन जो है एज पर गवर्नमेंट हम यूज कर रहे हैं, परफेक्ट, जैसा गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया राइट। और काफी मतलब प्रेजेंटेशन भी काफी बढ़िया बना के रखा है, ये आपके स्टाइल में, अब्दुल भाई स्टाइल में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पराठा आप कोई भी रोटी लेंगे, ये पराठा लो, तंदूरी लो या रुमाली लो, ये 10 रुपए यानी 10 रुपीज पर ही मिलेगा, यानी जहाँ पे 12-15 रुपया है किधर 18 है, तो वैसा यहाँ जो है जैसा कोई भी रोटी लेंगे आपको 10 रुपए में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत है, इसलिए मैंने आपको सुबह से क्या बोल रहा हूँ, दे रहे हो क्या? पानी का ठंडा बॉटल भी 10 रुपए, 1 लीटर का। जो भी चीज है बहुत चीप सा दाम में बेचते हैं हम, ऐसे कैसे रमजान में लोग इफ्तारी के लिए आते हैं, उसके लिए हम हर चीज चीप में देते हैं।
क्या क्या हमारे ये मेन उस्ताद है, मेन उस्ताद हमारे, पूरी होटल इनके अंडर में है ये मेन। क्या बोल रहे क्या क्या है सर हमारे साथ, सब हमारे स्टॉल में सब स्पेशल सब है ना। और एक बात है, जाफर भाई के हाथ का स्वाद है, वो तो ये सच में दिख रही। बस आप देख सकते हो इस तरह भी बहुत सारे स्टॉल है। भाईजान रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। क्या क्या भाईजान अपने स्टॉल पे इस साल? ये मटन रोल है, ओके मटन रोटी है, मटन रोटी है जी। पैदा रोटी टाइप है क्या? अलग है, पैदा रोटी अलग है, बिकम मटन रोटी अलग है। अरे वाह, पैदा रोल अलग है, ओके चिकन रोल अलग है, मटन रोल अलग है, सब अलग। क्या रेट है? ये 50 रुपीस का है, ओके ये 40 रुपीस का है, 40 रुपीस का है जी सर। अरे बहुत बढ़िया। और इनका आप देखो लाइव काउंटर है तो फ्रेश मिलेगा ना, मतलब एकदम क्या बात है, एक नंबर। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे है ना बहुत सारे स्टॉल्स है, मतलब जिस स्टॉल पे भी आप जाओगे ना वहाँ पे आपको वैरायटी मिलेगी। खिचड़ा है, खिचड़ा खिचड़ा क्या रेट है खिचड़े का? 40 रुपए। 40 रुपए ऐसे पैक करके रख दिया ना आपने? हाँ। अंदर एक मिनट खोल के देखो कैसे, क्या बात है, फुल पैकेट खिचड़ा 40 रुपए। क्या बात है, इतना सस्ता पूरे पुणे में नहीं है। रमजान मुबारक। आप देखो तो इस तरह भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक ये स्टॉल्स है, यहाँ पे कैप्स है, इस तरफ कटिंग चाय। बस इस साल मेरे को है ना ये नहीं दिखा बस अभी तक, क्या बोलते हैं उसको अपना, अरे पराठा, पराठा रोटी भी है। इस तरह भी आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त है। अजान रमजान मुबारक। सीख कबाब का क्या रेट है? सौ रुपया 100 का 4 ना, 100 का 4। क्या बात है, 100 की 4 चली आई है, बड़ा ही सस्ता है। सी कबाब लेना तो 100 की 4 है। चाचा रमजान मुबारक। आप देखो ये चीज के लिए मैं ना हमेशा ढूंढते रहता हूँ, मतलब ये चीज सबसे बढ़िया है, तो इसको बोलते हैं पराठा, हलवा पराठा। चाचा रमजान मुबारक, कैसे हो, सब हो गई तैयारी? हो गई ना रमजान मुबारक भाई। जो फेवरेट चीज में आपको दिखाना चाहता था ना वो यहाँ पे मेरे सामने, और हमारे साथ मोहम्मद साबिर भाई है। भाई क्या क्या आपके, मतलब इस लच्छा क्या बोलते हैं उसको, पराठा ना, हलवा और पराठा बोलते हैं, हलवा पराठा। ये एक्चुअल में डिश कहाँ से है ये जी? ये आप कहाँ से आते हो मतलब हर साल? जी हम तो ये पुणे के रहने वाले, मतलब धन सेठ हमारा पुणे का रहने वाला है, हम काम करने वाले यूपी के, यूपी के, क्योंकि आगरा में बहुत फेमस होता है ना ये। हाँ आगरा में, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है कुछ लोग आगरा से भी आए थे यहाँ पे, तो टेस्ट वैसे ही मिलेगा ना एकदम। क्या बात है, और स्वीट भी होता है वो पराठे के साथ, बहुत बढ़िया लगता है ना। अभी अपने को भाई बना के भी दिखाने वाले हैं कैसे बनता है पराठा। कॉस्ट क्या है सर जी? कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कितने का आता है ये? आएगा आपको 200 रुपए केजी। 200 रुपए केजी, 50 रुपए सस्ता हो गया। क्या बात है, क्योंकि गाइस मुझे याद है लास्ट टाइम हमने ना बहुत सारी जगह पे कवर किया था, 250 रुपए किलो था, इस साल 200 रुपए किलो जी। क्या है अभी तेल का भाव कुछ कम आ गया ना, हाँ बिना से हम लोग भी 50 रुपए। क्या बात है, दावत हो गए मतलब सबके लिए। तो गाइस अभी देखो अब ये बन रहा है पराठा, हलवा पराठा का पराठा। तो ये ऐसी प्रोसीजर होता है जिसमें ये पराठा बनता है, बहुत बड़ा और इतनी बड़ी कढ़ाई में ये जाता है, और ये हलवा होता है जिसके साथ ये खाया जाता है। तो ये देखिए अब बन रहा है पराठा, क्या बात है, बहुत ही मुश्किल काम है वैसे। भाईजान एक पराठा कितने किलो का होता है? 1 किलो। 1 किलो, 1 किलो। क्या बात है, 1 किलो के आसपास का ये पराठा होता है। तो अब देखिए अब ये बन रहा है, क्या बात है। और अपने सब भाई आए, सबको रमजान मुबारक। इधर इधर से ये आप लोग क्या हमारे कितने खुश हैं। ये देखिए ये बन रहा है अभी पराठा। ये दिन में कितने किलो का बनाते हो आप सीजन में? अभी रमजान के कितने बार ये बनाना पड़ता है? अरे बनाना ये जाता है दिन में 60 किलो मैदे का बनाना। क्या बात, जबरदस्त। ये देखिए बन गया। कई साल से लोन मांग रहा है, लोन नहीं मिला अभी तक, नहीं मिला कुछ। क्या यार चल, एक साल हो गया, एक साल ये फट गई, अरे ये भी फट गई। हाँ ना, कैसा होगा इस साल ना चाचा के लिए हम जरूर कुछ करेंगे। लोन नहीं मिला अभी तक, नहीं मिला, नहीं मिला, इस साल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। रमजान मुबारक। अरे बहुत बढ़िया, इनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। क्या क्या आपने पास, क्या क्या है चाचा? क्या क्या है? खेलिए गोश्त खलीजी, चिकन टिक्का, चिकन सीख, समोसा, किले का समोसा, काड़ी गोश्त, कटलेट, शामी कबाब। अरे इतना बढ़िया काउंटर अपना, अरे अरे मिला फिर भी मेहनत करी, मेहनत करके बढ़ गया, क्या बात है। बस रमजान मुबारक भाइयों, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक भाई। क्या क्या है? फालूदा, फालूदा रेडी पीस। इतने कितने लोग पी सकते हैं ये फालूदा वाला पैकेट?
आज हमने पुणे का मतलब रमजान बाजार देखा, पहले हमने दिल्ली का देखा, मुंबई का देखा और हैदराबाद का भी देखा, लेकिन पुणे वालों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा भी आप देखें मोमिनपुरा जो है मतलब काफी फेमस है, 50 साल से भी ज्यादा लोगों की वहाँ पे शॉप्स थी और जो इतने शॉप लगा रहे थे, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 साल मतलब हो चुके हैं तो वो कितने ज्यादा फ्रीडम उनको हासिल है वहाँ पे, इतने वो लगा डिफाइन होता है आपका ऐसी चीजों से आपको पता चलता है कि यार वो कोई भी रिलीजन का बंदा है या वो किस तरह से अपने मजहब को वहां प्रैक्टिस कर रहा है या किस तरह से वो डर रहा है। आपने देखा इस वीडियो में वहां पे फ्रीडम ना होती या मुस्लिम आजाद ना होते तो वो इस तरह से शॉप्स भी नहीं लगा वहां पे भी, मतलब वो उनको इजाजत ही ना होती। लेकिन रमजान का बरकत महीना है तो इस महीने में देख रही हूँ 10-10 रुपए की हर चीज वो बेच रही है, कितना अच्छा था ना। एक तो 10-10 रुपए की चीजें और वो पेटीएम वाला जो का टेक्नोलॉजी वाली हर एक छोटे से छोटे दुकानदार के पास भी, क्योंकि उन लोगों को पता है ना कि जो अमीर लोग या अब ज्यादातर लोग होते हैं ना वो पैसे नहीं कैश के साथ रखते हैं, अमीर हो या गरीब हो सभी लोगों को ना अभी वहाँ पे हुकूमत ने ऐसा बना दिया है कि पेटीएम सभी यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कैश कैरी करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, चोरियां हो जाती है, कोई सो सिस्टम हो जाते हैं। अभी सबसे ज्यादा आसान तरीका यही है कि पेटीएम के जरिए पेटीएम को इंट्रोड्यूस यहाँ पे हमारे लोगों को, अगर आप पेटीएम का बोलेंगे उनको पता ही नहीं होगा कि पेटीएम होता क्या है, यहाँ पे मतलब लोग कैश ही यूज करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब पुराने लोगों के ख्याल आता है लेकिन वहाँ पे हम देख रहे हैं कितने ज्यादा चेंजिंग टेक्नोलॉजी का वो काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। पेटीएम वाला देखा तो मुझे ये चीज बहुत, और वो खाने की आइटम्स हमने देखी काफी ज्यादा अच्छी थी, और देखा कि जब जिस स्टेट में भी हम जा रहे हैं मुख्तलिफ थोड़ी सी चेंज होती जा रही है, बिल्कुल हैदराबाद में हमने देखी थी चीजें और इधर देखी, लेकिन वो जो पराठा था ना पराठा हलवा वो एक जैसा ही हमने देखा, जहाँ भी दिल्ली में भी देखा मुंबई में भी था, मतलब मुझे हैरानगी हुई कि 200 रुपए उन्होंने बोला है कि केजी वहाँ पे, हाँ 200 रुपए में इसका मतलब है कि मैदा यहाँ पे जो है ना वो 200 रुपए केजी वैसे ही हमें मिल रहा है, तो अगर वहाँ पे 200 रुपए का पूरा इतना बड़ा मिल रहा है और इसके साथ हलवा भी आपको मिलेगा, चने भी मिलते हैं, ये सब कुछ होता है तो बहुत ही मजा आता है। छोटी सी बिल्कुल होती है वो 80-90 रुपए की, 100 रुपए की आती है एक रोटी की तरह ना, तो रोटी की तरह वो होती है, तो फिर आपको हलवा भी लेना पड़ता है उसके साथ, तो ऐसे ज्यादा महंगा सिस्टम बन जाता है, लेकिन वहाँ पे इतना ज्यादा कितनी सस्ती चीजें थी 10-10 रुपए में। उन्होंने यही कहा था वो वीडियो जो बना रहे थे कि जिनकी वो दुकान थी कि हम चाहते हैं कि हम तो हर बंदा हर अफोर्ड कर सके, तो इस वजह से 10-10 रुपए की हर चीज लगाई गई है, ये देख बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, अच्छा लगा, खुशी लगी मतलब हुई है हमें देख के वहाँ पे कितने ज्यादा अच्छे तरीके से मुसलमान अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हैरानगी भी होती है हमें ये देख के, यहाँ पे तो कुछ और ही बताया जाता है, वीडियो देख के कुछ और ही हमें पता चल रहा है, तो काफी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है कोई वीडियो में।